अब नेट जीजी को अलविदा कर रहा है। अब जीजी नेट से जुदा हो रहा है, लेकिन जीजी वहाँ से जाना नहीं चाहता। जीजी भी जान चुका था वो नेट से दूर हो रहा है, इसलिए जीजी बहुत मायूस हो रहा है। वो नेट को गले लगा लेता है। नेट भी जीजी को गले लगा रहा था। जीजी उससे दूर जा रहा था, इसलिए नेट बहुत मायूस था। जीजी नेट के गले लगकर रोने लगा। नेट कहता है, जीजी तुम्हें जाना होगा। फिर जीजी नेट को प्यार करके वहाँ से चला जाता है। अब जीजी अपने पिंजरे में चला जाता है। अब नेट जीजी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। फिर जीजी पिंजरे से हाथ निकालकर नेट का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर नेट के आंखों से आंसू निकल आते हैं और नेट रोने लगता है और नेट जीजी को अलविदा कहता है। अब जीजी वहाँ से जाने लगता है और ये सब उसके फैमिली वाले भी देख रहे थे। वो सब मायूस थे। नेट के जाने के बाद जीजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो जीजी को याद कर रहा था। जहाँ जीजी रहता था वो उस जगह को देखकर रो रहा था। यहाँ उसकी मोम नेट के पिछले फोटो को देखती है। फोटो को देखकर मोम भी रोने लगती है। तभी नेट की दादी आती है। वो अपनी बेटी को एक पेपर देती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि क्लोरिंडा में जानवर पालना कानूनी है। अब सब उस घर को छोड़कर सब क्लोरिंडा के रहने के लिए निकल पड़ते हैं। नेट के डैड ने वहाँ मकान भी खरीद लिया था। अब एक साल बाद हम देखते हैं कि सब फैमिली क्लोरिंडा में रहने लगते हैं और साथ ही उन्हें जीजी भी मिल जाता है। अब वो सब वहाँ खुशी से रहने लगे। जीजी भी वहाँ खुश था और नेट अपनी मोम को लेटर देता है और मोम को मालूम पड़ता है कि नेट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये सुनकर मोम खुश होती है।